अगर च्युइंगम निगल ली जाए तो उसे हजम करने में कितना वक्त लगता है? आपका हाजमा चीज़ों को हजम करने के लिए बना होता है और जो नहीं कर पाता वह उसे आंतों में मुंतकिल करके फुजले के जरिए खारिज कर देता है। इसकी मिसाल मखसूस गिजाओं में नजर आती है। मकई को हमारा जिस्म हजम नहीं कर सकता तो वो मकई के छिलकों को खाने के बाद फुजले के जरिए खारिज कर देता है। तो अगर कोई च्युइंगम को निगल ले और यह मकई के बहुत सारे दानों के मुकाबले में बहुत छोटी होती है तो वो उसे भी इसी तरह जिस्म से बाहर कर देता है। अगर च्युइंगम निगल ली जाए तो उसे हजम करने में कितना वक्त लगता है? आपका हाजमा चीज़ों को हजम करने के लिए बना होता है और जो नहीं कर पाता वह उसे आंतों में मुंतकिल करके फुजले के जरिए खारिज कर देता है। इसकी मिसाल मखसूस गिजाओं में नजर आती है। मकई को हमारा जिस्म हजम नहीं कर सकता तो वो मकई के छिलकों को खाने के बाद फुजले के जरिए खारिज कर देता है। तो अगर कोई च्युइंगम को निगल ले और यह मकई के बहुत सारे दानों के मुकाबले में बहुत छोटी होती है तो वो उसे भी इसी तरह जिस्म से बाहर कर देता है।